तो भाई फिलहाल मेरे हाथ में है नेक्सा की चाबी जो कि प्रोनेक्स की रहने वाली है डेल्टा वेरिएंट की। भाई आज से पहले जो वीडियो आई थी वो डेल्टा प्लस की वीडियो आई थी, आप देख सकते हो वो वीडियो, जाके मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा। ये डेल्टा वेरिएंट देख रहे हो यार, बेस से एक ऊपर वाली वेरिएंट है, सिग्मा आती है, उसके बाद डेल्टा, डेल्टा प्लस वगैरह आती है। नेक्सा में बहुत सारे वेरिएंट्स सुजुकी ने लॉन्च कर दी है, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो डेल्टा और डेल्टा प्लस में 50,000-60,000 का फ़र्क आपको देखने को मिलता है। इस गाड़ी में वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है जो कि डेल्टा प्लस में देखने को मिलती है। नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा भाई रोड पे। तो बाकी डेल्टा प्लस में एक्स्ट्रा क्या फीचर्स है वो तो आज बटन में आप देख लोगे। देखते भाई इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलती है। सामने से अगर मैं कंपेयर करूँ तो देखो भाई, सामने ही मेरी डेल्टा यहाँ पर खड़ी है डेल्टा प्लस की, इसकी जो हेडलैम्प्स है और जो सामने DRLs है वो बहुत अलग हैं इससे, क्योंकि भाई पैसे यही सब चीज़ें को ले रहे हैं। आउटर साइड में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत वो छोटी मोटी या थोड़ी थोड़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेगी लाइट्स वाइट्स में, बाकी है स्ट्रक्चर सेम है गाड़ी। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे, एक पार्किंग लाइट यहाँ पर सामने, मतलब जो हैलोजन टाइप में दी जाती है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वहीं वहाँ पे आपको पूरी LEDs के सेटअप देखने को मिल जाएंगे। नीचे आपको तीन तीन हेडलैम्प्स वगैरह देखने को मिलेंगे जो कि LED में रहने वाले हैं, बाकी एज यूजुअल गाड़ी पूरी सेम है। यहाँ पे वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे प्रोजेक्टर देखने को मिलते हैं जो कि येलो लैम्प में देखने को मिलती है। ये वाली चीज़ तो मुझे वेन्यू की याद दिला देती है, और ये भी चीज़ वेन्यू की याद दिला देती है इसकी डेल्टा वेरियंट में, ठीक है अच्छी खासी है। इधर अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिशिंग दी जाती है, सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा, रेडिएटर ग्रिल है, बाकी सब कुछ सेम देखने को मिल जाती है। सामने से एज यूजुअल स्ट्रक्चर सेम देखने को मिलेगा, यहाँ पे वाइपर्स वगैरह दिए जाते हैं, दो वॉशर्स देखने को मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल गाड़ी की अगर बात करें हम साइड प्रोफाइल से, तो यहाँ पर आपको फेंडर्स में कोई इंडिकेटर्स देखने को नहीं मिलेंगे, बेसिक ऊपर वाली वेरियंट है। तब भी यहाँ पर अगर मैं टायर सेक्शन की बात कर लेता हूँ तो आपको गुड ईयर्स के टायर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि अराउंड अराउंड रहने वाली है भाई 195/60R 16 inches के रिम व्हील आपको देखने को मिलते हैं व्हील कैप के साथ। उस गाड़ी में भाई वो चीज़ नहीं है, वहाँ पे आपको अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो और भी हम आपको टर्निंग इंडिकेटर के साथ देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं रूफ रेल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा भाई। यहाँ पर डोर्स आपको बॉडी कलर में देखने को मिल जाते हैं, यहीं बैक में भी आपको सेम सेक्शंस के टायर्स देखने को मिल जाते हैं गुड ईयर के। बाकी बैक अगर हम बात कर लेते तो आप पता ही नहीं कर पाओगे यार, बेसिक ऊपर वाली वेरिएंट में सारी कुछ आपको सेम चीज़ें दी जाती है। नेक्सा की स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है, बैक लाइट्स आपको पूरी LED की देखने को मिलते हैं, यहाँ पर इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट की जाती है, लेक्टर्स दिए जाते हैं वो जो कि स्ट्रेट हाईवे में, पता नहीं भाई ये चीज़ थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है, ये चीज़ अगर ऐसे नीचे रहती बढ़िया लगती। सेंसर्स दिए जाते हैं। बाकी इस गाड़ी की अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं तो आपको लगभग 308 लीटर की बूट स्पेस देखने को मिलते हैं जो कि बहुत बढ़िया है भाई यार। 60-40 स्प्लिट सीट्स देखने को मिल जाते हैं, यहीं पे आपको स्पेयर व्हील देखने को मिल जाती है जो कि अराउंड 16 inches की ही रहने वाली है। आजकल गाड़ियाँ कोई 1 inch कम नहीं दे रही है स्पेयर व्हील के टायर्स भी। बंद कर लेते हैं भाई, यहाँ पे डिफॉगर्स देखने को मिल जाते हैं, कोई भी वाइपर्स नहीं दिया जाएगा, पर बहुत अच्छी बात है डिफॉगर्स दे दिए जाते हैं। हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, अगेन LED में रहने वाली है। मारुति सुजुकी की जो यहाँ पे बैजिंग है वो देखने को मिल जाती है, प्रोनेक्स की यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे लोगो देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर मैं बात कर लेता हूँ तो बस गाड़ी कुछ एज यूजुअल सामने से ऐसी ही लगती है देखने में। आइए बात करते हैं इसके इंटीरियर में क्या कुछ चेंजेस दी गई है डेल्टा प्लस से। तो इंटीरियर भाई कुछ वैसी आपको देखने को नहीं मिलेगी चेंजेस में, सेम डेल्टा प्लस में जो आपको इंटीरियर दी जाती है यहाँ पे भी वही चीज़ें दी जाती है, वही सारी फीचर्स दी जाती है, कुछ कुछ अलग से हल्के हल्के फीचर्स ऐड ऑन की गई है उसमें, बाकी एज यूजुअल सेम फीचर्स दी जाती है। यहाँ पे भी आपको ड्यूल टोन में इंटीरियर देखने को मिलता है जो कि ब्राउनिश में और ब्लैक में देखने को मिलती है। ये सब चीज़ें सारी सॉफ्ट आपको देखने को मिलेगी, ये सब हार्ड है भाई। कि डोर्स में आपको यहाँ पे विंडोज़ के कंट्रोल देखने को मिल जाता है, पावर विंडोज़ के कंट्रोल, लॉक अनलॉक के यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हो। 1 liter का वाटर होल्डर देखने को मिल जाएगा, स्पीकर्स दिए जाते हैं, गाड़ी की सीट्स फैब्रिक देखने को मिलती है, अगेन भाई सीट्स पूरी वही बलिनो स्विफ्ट वगैरह जो आती है उसी टाइप की दी गई है, थोड़ी सी अलग कर दी गई है गाड़ी को। एक मिनट भाई स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ी सी सिर्फ इसको ठीक करने के लिए, बाकी आप देख सकते हो यार
स्टेयरिंग व्हील गाड़ी की काफी छोटी है, मतलब जिस हिसाब से गाड़ी है उतने ही हिसाब से स्टेयरिंग वालों को देखने को मिल जाती है। इधर अगर हम बात करते हैं तो आपको वही फैब्रिक फिनिशिंग में हार्ड प्लास्टिक यूज़ की गई है, सेम डेल्टा प्लस के जैसी है सारी, इसमें भी दी गई है। यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ के बटन्स देखने को मिल जाते हैं, आइडियल स्टार्ट स्टॉप के बटन्स देखने को मिल जाते हैं जो कि ऑफ भी कर सकते हो आप, बोनेट और एंड फ्यूल टैंक देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर 37 लीटर्स की है। सामने यहाँ पे आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन देख सकते हो जो कि आपको पूरे एनालॉग में दी जाती है, बीच में MID दी जाती है जो कि छोटी सी स्क्रीन पूरी फ्रोनिक्स की इंफॉर्मेशन शो कर देती है। बाकी भाई गाड़ी की रिफाइनमेंट इंजन जो मैं अगर बात करूँ तो 1.2 लीटर का इंजन इसमें दिया जाता है, टर्बो तक जाती है भाई। और अगर मैं इस गाड़ी की प्राइसिंग रेंज की बात करूँ तो ये शुरुआत होती है 7 लाख कुछ रुपए से अप्रॉक्स और 13 लाख रुपए तक जाती है भाई ये गाड़ी टर्बो में। और इंजन ऑप्शंस की अगर मैं बात कर लेता तो CNG पेट्रोल आपको देखने को मिल जाएगा प्रॉपर जो कि गाड़ी में आने वाली है, डीजल वगैरह सुजुकी ने बंद कर रखा है। स्टेयरिंग व्हील की अगर मैं रिस्पांस की बात करूँ तो बहुत अच्छी लाइट स्टेयरिंग व्हील आपको देखने को मिल जाती है, एज यूजुअल अगर आप बात कर लेते हो बलिनो वगैरह से तो उससे थोड़ी सी लाइट आपको देखने को मिलती है, सुजुकी का लोगो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो कि मीडियाज वगैरह को कंट्रोल करती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल रिसीव वॉइस कंट्रोल के ऑप्शन दिए जाते हैं, SRS एयरबैग्स आपको तो मेडिटेटरी चीज़ें ये सब दी जाती है, 2 एयरबैग्स आपको देखने को मिल जाते हैं बेस से ऊपर वाली वेरिएंट में। सबसे बड़ी बात है भाई AC जो आप देख सकते हो, AC के कंट्रोल्स यहाँ पे पूरे ऑटोमेटिक्स दिए जाते हैं जो कि बढ़िया चीज़ है यार। 2 AC के इवेंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, हज़ार लाइट के ऑप्शन, 7 इंचेस का स्क्रीन दिया जाता है जो कि एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो वगैरह सपोर्ट करती है। इस गाड़ी की मैंने म्यूज़िक सिस्टम भी सुना रखी है, आप मेरे शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हो। नीचे अगर मैं इधर बात कर लेता हूँ तो USB के पॉर्ट देखने को मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाता है, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स जो कि बहुत रिफाइंड है, यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक का लीवर देखने को मिल जाएगा। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ठीक ठाक डिसेंट साइज की ग्लव बॉक्स है भाई, ये सब चीज़ें आपको हार्ड प्लास्टिक में दी जाती है। यहाँ पे भी आपको पावर विंडोज के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, सॉफ्ट टच में ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है, बीच में एक सेंटर लाइट देखने को मिल जाती है येलो में, यहाँ पे भी लाइट देखने को मिल जाती है येलो में। वहाँ पे भाई फ्रोनिक्स में आपको कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगी, बस यही सब चीज़ों की पैसे ले रहे हैं और कुछ बात ही नहीं है भाई। सामने से गाड़ी कुछ ऐसे ही है, सेम एज यूजुअल डेल्टा प्लस वेरिएंट जैसी। बैक से देखते हैं कुछ चेंजेस अगर की गई होगी तो बैक में आपको पता चलेगी, तो बैक में भी भाई वैसी कुछ चेंजेस की ही नहीं गई है, मतलब कुशनिंग से लेकर हर एक चीज़ बेटर है, अच्छी है देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच दिया जाता है, पावर विंडोज के कंट्रोल, बाकी बैक में सेम स्पेस एज यूजुअल जो गाड़ी में दी जाती है वही आपको देखने को मिल रही है। हाँ कुछ कुछ चीज़ें अगर मैं इसकी ये सब चीज़ों की बात करूँगा तो थोड़ी सी कम क्वालिटी जो वाइज है, थोड़ा सा कम क्वालिटी में आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा लो क्वालिटी में मिलेगा, उसमें आपको थोड़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएगी डेल्टा प्लस वेरिएंट में। सॉकेट वॉकेट यहाँ पे भी दिया जाता है, स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाएगा भाई जो कि अच्छा है, 3 हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जिसमें आपको हैंडरेस्ट आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता उस गाड़ी में आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। पीछे आपको पार्शल ट्रे इतनी बड़ी दी जाती है, ठीक ठाक दी जाती है यार, सही है। बाकी पीछे से गाड़ी कुछ ऐसी, अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग रेंज की, क्या कुछ पड़ने वाली है। अगर मैं बात करता हूँ भाई कि अगर आप लेने के सोच रहे हो फ्रोनिक्स तो बजट थोड़ी सी कम है और एसेंशियल चीज़ें अगर चाहिए तो भाई डेल्टा वेरिएंट में आराम से जा सकते हो, जैसे अलॉय व्हील्स वगैरह के शौकीन नहीं हो और फिर कुछ कुछ जैसे लाइट्स वगैरह के शौकीन नहीं हो तो भाई डेल्टा में आराम से जा सकते हो। अगर नहीं अलॉय व्हील्स चाहिए तो फिर आप डेल्टा प्लस को प्रेफर करो, LED लाइट्स वगैरह सारी कुछ देखने को मिल जाएगी उसमें, बाकी थोड़ी सी प्रीमियमनेस और हल्की सी देखने को मिलेगी, आर्मरेस्ट वगैरह अच्छी दी जाती है। बाकी है सच इसमें भी वही चीज़ दिया गया भाई, बेस से ऊपर वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाती है, और क्या चाहिए भाई। बाकी इस गाड़ी की अगर मैं प्राइसिंग रेंज की बात करूँ तो डेल्टा आपको पड़ने वाली है 8,32,000 रुपीज़ एक शोरूम भाई, अपने अपने सिटीज़ में आप देख सकते हो गेट ऑन रोड प्राइस क्या होने वाली। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें भाई।